हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मावा केक की रेसिपी। तो वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आज हम 1.5 kg प्रीमिक्स का मावा केक बनाएंगे, तो उस हिसाब से हमें 1860 ग्राम पानी ले लेना है। तो दोस्तों, 1860 ग्राम पानी लेने के बाद अब बारी है शक्कर की। तो हम रेसिपी के हिसाब से 1950 ग्राम शक्कर ले लेंगे और शक्कर को भी पानी में ही मिक्स करेंगे। पानी और शक्कर डालने के बाद अब हम डालेंगे 2 चम्मच फूड प्रिजर्वेटिव यानी खाद्य परिरक्षक, जो कि बेक मैजिक कंपनी का आता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तीनों मटेरियल्स को डालने के बाद अब हंडा को व्हीपिंग मशीन में लगा लेंगे और कुछ 5-7 मिनट के लिए व्हीप्ड होने देंगे। अब हम लेंगे वजन के हिसाब से, रेसिपी के हिसाब से मैदा, और मैदा रहेगा हमारा 1950 ग्राम। तो एक बोरी में ले रहे हैं हम लोग मैदा 1950 ग्राम। रेसिपी के हिसाब से मैदा लेने के बाद अब हम ले लेंगे 1500 ग्राम प्रीमिक्स। तो दोस्तों, अगर आपको भी परफेक्ट मावा केक बनाना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, प्रीमिक्स का आइडिया हम दे देंगे। प्रीमिक्स 1500 ग्राम लेने के बाद अब हम ले लेंगे फीना जेल, जो कि रहेगा 60 से 70 ग्राम 1.5 kg के हिसाब से, 1.5 kg प्रीमिक्स के हिसाब से। तो फीना जेल को हम मिक्स कर देंगे उसमें, जो हंडा में मटेरियल डाला हुआ है शक्कर और पानी, उसमें मिक्स होते रहेगा। और हमने जो बटर पिघला के रखा था, बटर में अब मिक्स कर देंगे हम ग्लिसरीन। ग्लिसरीन रहेगा अपना 300 ग्राम, देख सकते हैं आप, 300 ग्राम ग्लिसरीन डालना है बटर के साथ, बटर भी रहता है 300 ग्राम, और अब घी भी रहेगा उसमें 300 ग्राम। तो तीनों को 300 ग्राम मिक्स करना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने रेसिपी के हिसाब से 300 ग्राम बटर, 300 ग्राम ग्लिसरीन और 300 ग्राम घी लिया है, अब उसके बाद हम ले लेंगे 300 ग्राम रिफाइंड तेल और 2 ढक्कन मावा एसेंस। मावा एसेंस को भी मिक्स कर देंगे उसी में। अब बारी है मैदा और प्रीमिक्स को, शक्कर और पानी और जो फाइना जेल डाले थे उसके साथ मिक्स करने की। तो हम पहले इसको 1 नंबर में चला देंगे व्हीपिंग मशीन को, तो ये व्हीप्ड होता रहेगा 1-2 मिनट तक, जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अभी इसको हल्के हल्के मिक्सिंग करना है, उसके बाद हमने सीधा 3 नंबर लगाया। 3 नंबर में स्पीड घूमेगा तो क्या होगा, इसमें जो एयर बबल्स रहेगा वो सब मिक्स होके क्लियर हो जाएगा। अब बारी है जो सारा मटेरियल हम मिलाए थे, तेल, ग्लिसरीन और अपना बटर, घी, सबको मिक्स कर देंगे उसमें। सबको मिक्स करने के बाद अब हम ले लेंगे ज़रूरत के हिसाब से टूटी फ्रूटी, जो पपीता भी बोलते हैं, उसको भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। और परफेक्ट से मिक्स होने के बाद हम इसको निकालेंगे, और निकाल के इसका जो मिक्सर है, मिक्सर में चिपक जाता है बहुत सारा, तो उसको भी हम निकाल लेंगे, अच्छे से साफ कर देंगे। और क्लियर करने के बाद हमने जो मोल्ड रहता है, मोल्ड उसको हमने बिछा के रखा है, उसमें तेल और पेपर लगा के अच्छे से। तो हम इसको वेट मशीन के हिसाब से वेट कर लेंगे, 320 ग्राम पर मोल्ड, मतलब एक मोल्ड में 320 ग्राम देना पड़ता है मटेरियल जो बनाया हुआ है हमने। आप देख सकते हैं 320 ग्राम हर एक में दे देंगे, तो इसमें मिनिमम अपना जो 1.5 kg का प्रीमिक्स है, तो उसमें मिनिमम अपना निकलेगा 25 से 30 पीस के अंदर निकल जाता है, तो 25 से 30 पीस के अंदर निकलेगा इसमें। तो हमने हर एक मोल्ड में इसको दे देना है अच्छे से वजन करके, और हर तरफ थोड़ा फैलाना पड़ता है, मतलब फैल जाएगा तो क्या होता है कि एक साइड का ऊपर नीचे नहीं होता, तो परफेक्ट तरीके से उसको हर तरफ फैला देना है। तो वीडियो में बने रहिए, और आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमें सपोर्ट भी करना है, तो हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए। और आपको अगर इसी प्रकार की और भी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाएंगे। तो जैसे कि हमने अभी उस सारा मॉल्स में मटेरियल दे दिया, तो उसके बाद हम उसके ऊपर जो आलमंड फ्लेक्स रहता है, बादाम का फ्लेक्स, उसको हल्का हल्का दे देंगे,
हर एक मॉल के ऊपर थोड़ा थोड़ा बादाम फ्लेक्स दे देंगे, और बादाम फ्लेक्स देने के बाद हम दे देंगे उसमें थोड़ा सा पिस्ता, मतलब हल्का हल्का पिस्ता दे देंगे सब में। देख सकते हैं आप, हल्का हल्का पिस्ता हर एक मॉल के ऊपर दे रहे हैं। अब यहाँ तक का सारा प्रोसेस होने के बाद अब बारी है सारे मटेरियल्स को, सारे जो मॉल्स को ओवन में डालने की। तो ओवन में डालने से पहले हमने ओवन का जो हीट रहता है ऊपर और नीचे का दोनों को मैनेज करके रखा है। ऊपर का हीट 174 और नीचे का रहता है 165 से 170 तक। तो जैसे कि अपना मावा केक है उसको परफेक्ट तरीके से पकाने के लिए इसका हीट जो है उसको मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो अभी इसको हम 35 मिनट के लिए ओवन में पकने के लिए डाल देंगे। सो दोस्तों, फाइनली हमारा मावा केक जो है बन के रेडी हो चुका है, अपना 35 मिनट हो चुका है। तो अब हम निकालेंगे इसको, और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से मावा केक अपना बेक हो गया है, और कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इससे। तो फ्रेंड्स, आपको भी अगर ऐसा ही मावा केक बनाना है और रेसिपी के बारे में आपको जानना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। Close till I get up. Time is barely on our side.